साइबर फ्रॉड करने वाले लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अभी तक आम लोगों के फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप ऐप को हैक कर या फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड लिस्ट में शामिल करते थे और लोगों से पैसे की डिमांड करने की खबरें आती थी। लेकिन इस बार साइबर अपराधियों ने गोरखपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने के साथ फर्जी तरीके से व्हाट्सएप ऐप बना लिया और उनके जानने वालों से पैसे की मांग करनी शुरू कर दी। जैसे ही इसकी जानकारी एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु को हुई, तत्काल उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज डालकर लोगों को सावधान किया, जिसके संबंध में शुक्रवार को पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि ठगी के प्रयास का एक मामला सामने आया है, जिसमें मेरी फोटो व फेसबुक आईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सूचना साइबर अपराध शाखा को दी गई है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, हैकर की तलाश की जा रही है, लिहाजा ट्विटर के माध्यम से जानकारी साझा कर दी है। आपको बता दें, इससे पहले तत्कालीन एडीजी जोन दावा शेरपा के नाम पर भी फर्जी आईडी बनाया गया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ये आपने मेरा पर्सनल फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप ये ट्विटर आईडी हैक नहीं हुआ है, बट एक फर्जी आईडी बनाया गया है कि मेरे नाम लगा के व्हाट्सएप में किसी और के नंबर पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर लगा के मेरे दोस्त एवं परिचित लोगों से हम कष्ट में हैं, हम इमरजेंसी में हैं, ऐसे करके पैसे मांगने की कोशिश हुई है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया है, मैं तत्काल साइबर थाने को कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन भेज दिया है। उसमें प्रथम दृष्टि इंक्वायरी चल रही है, जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। हमने इसलिए ये पोस्ट अपने फेसबुक आईडी और अपने ट्विटर आईडी में डाल दिया, ताकि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हमारे फ्रेंड लिस्ट में जो है वो सतर्क हो जाए।